सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद श्वेता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को NSSM नॉलेज कैंपस दुर्गापुर का रिव्यू देने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने NSSM से अपनी पढ़ाई पूरी की है, मैंने NSSM से BCA ही किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, NSSM का दो ब्रांच है, NSSM दुर्गापुर एंड NSSM कोलकाता। तो मैंने दुर्गापुर से पढ़ाई की है, मैं आपको आज उसी का रिव्यू देने वाली हूँ। सो मैं 2022 में पास आउट हूँ। सो NSSM में आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट से लेके PG से लेके मास्टर्स से लेके आपको 60 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड इसका प्लेसमेंट वगैरह कैसा है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना BCA के बारे में बताती हूँ, मेरा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या था। आप 4 लाख तक 3 साल का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर समझ कर आपका फ़ीस लगने वाला है, प्लस एडिशनल वन टाइम आपका एडमिशन फ़ीस लगने वाला है, जो कि है 45,000 प्लस 5,000 एलमोनी फ़ी लगने वाला है। आई थिंक मेरे टाइम में 45,000 ही लगा था, आई थिंक अब 5,000 ऐड कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो आप 50,000 एडमिशन फ़ी रख सकते हो। उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फ़ीस है वो थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, लाइक मेरा 80,000 कुछ लगा था। उसके बाद आपका मतलब सेमेस्टर वाइज फ़ीस थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरह करके है। आप हैं ऐसा नहीं आपको हर सेमेस्टर सेम देना है, स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, इस तरह करके है। ओके, एंड मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट थे एंड मोस्टली सबका प्लेसमेंट हो गया था। मैं खुद विप्रो में हूँ एंड मेरा 2 इंटरव्यू निकला था, एक कैपजेमिनी का एंड सेकेंड विप्रो, तो मैंने विप्रो चूज़ किया। एंड मेरे क्लास में ही विप्रो में 2-3 स्टूडेंट हैं मेरे को छोड़ के जिन्होंने ज्वाइन किया है, EY के भी है, LNT के भी है, कॉग्निजेंट के है एंड और भी अदर्स कंपनीज है, स्टार्टअप जो उन्होंने ज्वाइन किया है। मोस्टली सबका प्लेसमेंट हो गया था, 1-2 को छोड़ के। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि 2022 तक रिसेशन नहीं था, उस टाइम कंपनीज मास हायरिंग कर रही थी, हमारे टाइम पे कंपनीज मास हायरिंग कर रही थी, तो उस टाइम अच्छे से प्लेसमेंट हो रहा था। एंड मैं आप लोगों को अदर कोर्सेज के बारे में बताऊं तो ऑप्टोमेट्री होती है, होटल मैनेजमेंट है, मास मीडिया है, फार्मेसीज है, नर्सिंग है। आपको बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं जो NSSM दुर्गापुर में मिलेंगे एंड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो NSSM कोलकाता में मिलेंगे। 2022 तक MCA दुर्गापुर कॉलेज में नहीं होता था, अब स्टार्ट हो गया है, पहले वो NSSM कोलकाता में ही सिर्फ होता था। एंड NSSM कोलकाता में ऑप्टोमेट्री के मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऑप्टोमेट्री आई थिंक बेस्ट होगी, तभी नेपाल से बहुत सारे लोग ऑप्टोमेट्री करने के लिए NSSM आते थे। एंड होटल मैनेजमेंट के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मोस्टली आप बोल सकते हो 50-60% ऑप्टोमेट्री एंड होटल मैनेजमेंट के ही मिला के आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद BBA वाले जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए होटल मैनेजमेंट एंड ऑप्टोमेट्री के लिए NSSM बेस्ट है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि BBA के लिए भी बहुत स्टूडेंट हैं होटल मैनेजमेंट के लिए भी। एंड BTech वगैरह के लिए मैं आप लोगों को, मेरी एक फ्रेंड है जो इस साल 2024 में पास आउट हुई है एंड उसने इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग किया, तो उसके फ्रेंड ने CS किया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने फ्रेंड से पूछ के मुझे बताना कि उसके क्लास में प्लेसमेंट वगैरह क्या सीन है। तो उसने मुझे बोला कि बहुत ही गंदा प्लेसमेंट है, मतलब BTech CS का NSSM है। तो जो लोग भी CS वगैरह के बारे में सोच रहे होंगे तो आप लोग एक बार फिर से सोच लेना एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि उसने पढ़ा है इस कॉलेज से, तो वो जब बोल रही है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं कॉलेज में उन लोगों को ही ज़्यादा पता होता है कॉलेज के अंदर क्या क्या सीन होता है, नेट में तो आप लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने को मिल जाते हैं, पर जो स्टूडेंट होता है उन लोगों को ही पता होता है कि कॉलेज का सीन क्या है एंड जो पॉलिटिक्स वगैरह क्या चल रहा है। 2022 तक पहले तो सही था, और अभी पता नहीं मे बी रिसेशन के कारण ये है या क्या कारण हो सकता है, अभी तो रिसेशन ओवर हो रहा है, मे बी अब सही हो जाए, पर BTech वगैरह का पहले भी हम सुनते थे उतना प्लेसमेंट वगैरह सही नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो 2023 अगले साल पास आउट हुई थी, उसका भी प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ था। एंड कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है
एंड ये विलेज वाले एरिया में आता है जो दुर्गापुर वाला कॉलेज है, एंड जो कोलकाता वाला वो टाउन एरिया में आता है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे तो मैं आप लोगों का एड्रेस भी बता देती हूँ। अगर आप लोग दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आप लोग मुचीपाड़ा के लिए ऑटो ले लीजिएगा, ऑटो लेने के बाद आप लोग का जो ऊपर हाईवे जो ओवर ब्रिज है आप लोगों को क्रॉस करके उस साइड जाना होगा, उधर आप लोगों को ऑटो मिलेगा NSHM जाने के लिए। तो उधर से आप लोग NSHM का ऑटो लेके आप लोगों को कॉलेज के बाहर छोड़ देगा। एंड आई थिंक आधे घंटे का रास्ता आप लोग पहुंच जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है, वरना आप कैब वगैरह रैपिडो वगैरह बुक करके भी जा सकते हो। एंड कॉलेज में डोनेशन वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है, ये एक चीज़ है। बहुत सारे कॉलेजेस है BC रॉय वगैरह, वहाँ पे डोनेशन वगैरह लगता है, यहाँ पे डोनेशन वगैरह नहीं लगता। आप लोग डायरेक्ट जाओगे एडमिशन हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो लोग भी एडमिशन वगैरह लेने का सोच रहे होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।